सब्सक्राइब कीजिए आरटीएफ प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी 9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शॉर्टकट की फॉर रिकॉल नरेशन। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप टैली के अंदर अपनी लास्ट नरेशन को कॉपी करेंगे, किस तरीके से आप रिकॉल कर सकते हैं नरेशन को। यहाँ पे दो अलग अलग की है नरेशन को कॉपी करने की, नरेशन को रिकॉल करने का, जिसका यूज आप अलग अलग सिचुएशन में करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है, मैं सबसे पहले सिचुएशन की बात करता हूँ, ऑल्ट आर। लगभग सभी जानते होंगे इसको, ऑल्ट आर का यूज़ करके आप जो लेज़र के अंदर आप नरेशन लिख रहे हैं, अगर वाउचर टाइप चेंज भी हो जाए तो भी वो नरेशन सेम उसी नरेशन को रिकॉल कर लेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको एंट्री करके। ये सपोज दैट मैंने पेमेंट की एंट्री करी, कैश में एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ से पार्टी नेम ले लेता हूँ, जैसे पार्टी नेम न्यू टैग ले लिया, ठीक। इसको मैं 500 की पेमेंट कर रहा हूँ, ऑन अकाउंट ले लेते हैं हम, और यहाँ से मैंने लिख दिया बिंग कैश पे टू न्यू टैग, ये एंट्री कर ली सेम, ठीक। अब मैं वाउचर टाइप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने वाउचर टाइप ले लिया रिसीट्स, ठीक, यहाँ से ले ली कैश, यहाँ से न्यू टैग का लेजर सेलेक्ट कर लिया और 500 रुपये मेरे को रिसीव हो गए। अब देखो यहाँ पे वाउचर टाइप चेंज हो गया, पहला वाउचर टाइप पेमेंट का था, दूसरा वाउचर टाइप ये रिसीट्स का है। तो जैसे ही मैं ऑल्ट आर प्रेस करूँगा, ये शॉर्टकट की है, जैसे ही ऑल्ट और आर प्रेस करूँगा, जो लास्ट एंट्री के अंदर नरेशन सेव हो रही थी उसी नरेशन को वो रिकॉल कर लेगा। देखो दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने ऑल्ट आर किया तो इसने उस नरेशन को रिकॉल कर लिया, बिंग कैश पेड टू न्यू टैग। अब मैं इस एंट्री को चेंज करता हूँ और चेंज करके यहाँ लिखता हूँ बिंग कैश रिसीट्स, ठीक, बिंग कैश रिसीट डाल दिया, डेटेड डाल लेते हैं 1/11/2018। इस डेट का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम नरेशन को सही से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। मैंने सेव कर लिया, अब मैं फिर से वाउचर टाइप चेंज करता हूँ और सेल्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से वाउचर टाइप चेंज कर दिया, पार्टी वही रखनी है आपको, न्यू टैग ले लिया, कंट्रोल ए कर लिया, सेव कर लिया डिटेल को, यहाँ से पैकिंग बॉक्स ले लिया, 100 पीस है, 550 का ईच है। मैं डिटेल देख लेता हूँ कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की है, तो लोकल सेल लग जाएगा इसके अंदर, लोकल सेल, और यहाँ से आउटपुट आई, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, दोनों ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ऑल डाल करूँगा तो जो लास्ट नरेशन शेव हो रहा था उसी नरेशन को ये कॉपी कर देगा, रिकॉल कर लेगा। ये देखो बिंग कैश रिसीट्स डेटेड ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ बिंग गुड्स सेल्स, रिकॉल ऑफ नरेशन फॉर द सेम लेजर। मतलब अगर लेजर सेम है और अलग अलग वाउचर टाइप है तो रिकॉल करना है आपको उसका नरेशन, तो ऑल्ट आर यूज़ करेंगे। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, जो लास्ट एंट्री हमने सेव करी थी इसके अंदर, देखो बिंग गुड सेल्स है, तो इसको मैं कर लेता हूँ बिंग गुड सेल्स टू न्यू टैग, ताकि नरेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। सेव कर लिया। अब सेकेंड वाला ऑप्शन, जहाँ पे आपको कंट्रोल और आर का यूज़ करके लास्ट नरेशन को रिकॉल करना है, पहला ऑप्शन था ऑल्ट आर, जहाँ पे सेम लेज़र के अंदर हम रिकॉल कर रहे थे, वाउचर टाइप चेंज होने पे उसका फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे वाउचर टाइप सेम होगा, लेज़र चेंज होगा, तो लेज़र चेंज होने पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं लास्ट एंट्री सेल्स की थी, अब सेकेंड एंट्री जो कर रहा हूँ वो भी सेल्स की है, मीन्स वाउचर टाइप ही सेम। बताता हूँ मैं आपको, जैसे लास्ट एंट्री में न्यू टैग लिया, अब यहाँ पे राज मेटल को सील करते हैं, ठीक, वाउचर टाइप सेम लेकिन लेजर चेंज हो गया, कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे, पैकिंग बॉक्स ले लिया, यहाँ से 150 बॉक्स ले लेता हूँ, 50 का इंच, लोकल सेल, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अगर मैं कंट्रोल आर करूँगा तो सेम वाउचर मेरी सेल्स की थी लेकिन लेज़र चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर करूँगा, ये देखो कंट्रोल आर करते के साथ ही
लास्ट एंट्री मैंने इसकी करी थी न्यूटेक की, तो बिंग गुड सेल्स टू न्यूटेक रिकॉल कर लिया है। अब मैं इसको चेंज करके क्या करता हूँ, बिंग गुड सेल्स टू राज मेटल, ठीक। डेटेड डाल लिया यहाँ पे 1/11/2018। फिर से किसी दूसरे वाउचर टाइप में ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे F5 ले लिया हमने, ठीक। यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ, पहले मैं कैशियर कर रहा था, बैंक से एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। बैंक से एंट्री कर ली, पहली एंट्री पेमेंट की कर रहा हूँ मैं, ठीक, पेमेंट की है। और यहाँ से मैं पार्टी ले लिया मैंने, बाबा इंडस्ट्री ले लेते हैं, चलो 500 अमाउंट पे कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ले लेते हैं, बिंक अमाउंट अमाउंट पे टू बाबा इंडस्ट्री, ठीक, सेव कर लिया। अब एंट्री चेंज करते हैं, अमाउंट ले लिया, कैश कैश ले लो या बैंक ले लो, बात बराबर ही है, बैंक ले लेते हैं। यहाँ से पार्टी चेंज कर लेते हैं, पार्टी ले लिया मैंने राजमेटल ले लिया। और यहाँ से 500 की पेमेंट कर दी, ऑन अकाउंट कर लिया। अब यहाँ पे शॉर्टकट कमांड क्या है, शॉर्टकट कमांड यूज़ करना है हमें, रिकॉल करना है लास्ट वाउचर के अंदर जो एंट्री हो रही थी। लेज़र चेंज हो गया लेकिन वाउचर सेम है, तो उसी नरेशन को कॉपी कर लेगा जो आपने लास्ट वाउचर एंट्री के अंदर डाली थी। लास्ट वाउचर एंट्री पेमेंट की थी और ये भी पेमेंट की है, तो कंट्रोल आर करेंगे तो देखो नरेशन को इसने कॉपी कर लिया है। तो इस तरीके से आप दोनों क्यू का यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट आर और कंट्रोल आर। ऑल्ट आर का यूज़ करना है आपको रिकॉल फॉर नरेशन टू सेम लेज़र। अगर सेम लेज़र के लिए आपको रिकॉल करना है नरेशन, तो सेम ऑल्ट आर करेंगे, जहाँ पे वाउचर टाइप चेंज होने का कोई भी इफेक्ट उनके नरेशन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सेम वाउचर के जो सेम वाउचर का नरेशन है उसको कॉपी करना है, तो आपको कंट्रोल आर करना पड़ेगा, जहाँ पे लेज़र चेंज होने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको टैली की बहुत सारी शॉर्टकट की जाननी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.rtsprofessionalstudy.com पे। यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे आप और यहाँ से आपको ये साइट मिल जाएगी। टैली RP9 पे जाएंगे और यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये फ्री में है, कोई भी प्राइज नहीं लिया जाएगा आपसे, कोई भी अमाउंट नहीं पे करना। ये ई बुक टाइप का है, PDF फाइल है, लगभग इसके अंदर 28 पेज है और अलग अलग चैप्टर वाइज इसके अंदर समझाया गया है किस तरीके से आपको GST के अंदर किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ से शॉर्टकट की, देख सकते हैं डिस्प्ले पे यहाँ शो कर रहा है पेज पे ही, और इसके अंदर ये बेसिक जो शॉर्टकट की है वो शो कर रहा है, और जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है वो आपको यहाँ पे PDF फाइल में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली और इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग, जो टेली की एंट्रियाँ हैं डेली बेसिस पे उसको आप यूज़ करके अच्छी स्पीड बना सकते हैं टैली के अंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को उन लोगों पर पहुंचा दीजिए जो टैली की एंट्री कर रहे हो या टैली की एंट्री करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, या नरेशन ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा हो, बहुत लंबा टाइप करना पड़ रहा हो और बार बार नरेशन टाइप करना पड़ रहा हो, तो उनकी टाइम सेविंग हो जाएगी। उस नरेशन को वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली इस फीचर का यूज़ करके टैली के अंदर। थैंक यू सो मच।